हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली के पॉप इंडिया कॉन्टेस्ट आ चुका है, तो ये ओपन रहेगा 24 अप्रैल से लेके 7 मई तक। इस बार बहुत कम टाइम दिया गया है पिछले बार से, पिछले बार 4 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक था। खैर जो भी हो, हम सभी ने इसके लिए बहुत वेट किया है, तो ये फाइनली आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है और इसके क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, तो बिना रूल्स को जाने समझे अप्लाई मत करना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्लियरली रूल्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो कमेंट करना, नहीं तो इंस्टा पे DM करना। जिन लोगों को नहीं पता कि केपॉप कॉन्टेस्ट क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है उसके लिए, केपॉप कॉन्टेस्ट क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, अवार्ड्स क्या है, और इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, फ्लाइट टिकट के पैसे कौन देने वाले, सब कुछ क्लियरली बताया है। तो आप उस वीडियो को देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो अभी मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स के बारे में बता रही हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से समझना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना या फिर इंस्टा पे DM करना। ऑनलाइन राउंड एप्लीकेशन, रिकॉर्ड ए कवर वीडियो ऑफ कोरियन सॉन्ग वोकल डांस एंड अपलोड इट। एलिजिबिलिटी, इंडियन नेशनल हु लव के पॉप कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट को कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एनी बॉय और गर्ल इन एनी एज, किसी भी एज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी इंडियन है। नॉन इंडियंस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। अगर आप इंडियन नहीं हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप नेपाल से हो पर इंडिया में रहते हो तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्टिसिपेट कर सकता है। सोलो ग्रुप हु हैज़ वॉन प्रीवियस ईयर केपॉप कॉन्टेस्ट होस्टेड बाई कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट। सोलो या फिर ग्रुप जो भी पिछले साल के कॉन्टेस्ट जीता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वोकल विनर ऑफ केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट 2020 कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। 2020 के वोकल विनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, बट रनर अप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर साल। बेनिफिट फॉर विनर, फ्री ट्रिप टू कोरिया, फ्लाइट अकोमोडेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। अब बात करते हैं इसके स्केड्यूल की। तो इसमें 3 राउंड होता है, फर्स्ट ऑनलाइन राउंड, सेकेंड रीजनल राउंड और थर्ड सेमीफाइनल राउंड। इन सब राउंड को पास करने के बाद ही आप केपॉप वर्ल्ड फेस्टिवल में परफॉर्म कर सकते हो। ऑनलाइन राउंड 24 अप्रैल से लेकर 7 मई तक ओपन रहेगा। 15 मई ऑनलाइन राउंड रिजल्ट एंड रीजनल राउंड अनाउंसमेंट। 15 मई को ऑनलाइन राउंड का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और जो भी ऑनलाइन राउंड विन होता है वो रीजनल राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। राउंड 2 रीजनल राउंड बिटवीन मई जून 3rd जुलाई, रीजनल राउंड रिजल्ट एंड सेमीफाइनल राउंड अनाउंसमेंट। बिटवीन मई जून और जुलाई में रीजनल राउंड का रिजल्ट अनाउंस और सेमीफाइनल राउंड होगा और जो भी रीजनल राउंड में विन होता है वो सेमीफाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट रीजनल राउंड 20 मई सैटरडे कोलकाता। पहला रीजनल राउंड 20 मई को होगा कोलकाता में। जिसने भी कोलकाता से अप्लाई किया है उसका रीजनल राउंड 20 मई को होगा, बाकी रीजनल राउंड के अनाउंस बाद में किया जाएगा। ऑनलाइन राउंड गाइडलाइंस, पार्टिसिपेंट्स कैन अप्लाई फॉर बोथ डांस एंड वोकल कैटेगरी इन ऑनलाइन राउंड। हाउएवर रीजनल राउंड ऑनवर्ड्स पार्टिसिपेंट्स कैन ओनली परफॉर्म इन वन कैटेगरी ओनली। तो इसके कैटेगरी है वोकल और डांस, आप दोनों कैटेगरी चूज कर सकते हैं ऑनलाइन राउंड के लिए, बट रीजनल राउंड में आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी में परफॉर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ कोरियन सॉन्ग में। एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड टिल 7 मई 2023 4 PM IST। नो एंट्रीज विल बी एंटरटेन आफ्टर द डेडलाइन। आप इसको 7 मई तक अप्लाई कर सकते हैं 4 PM इंडियन टाइम में। इन माय ओपिनियन 7 मई से पहले ही अप्लाई कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट काम नहीं करती है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके पहले ही अप्लाई कर लेना। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कॉन्टेस्ट आर फॉलो। आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करनी है, अगर आप नहीं करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जनरल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फॉर बोथ वोकल एंड डांस कैटेगरी इज 13। आपके ग्रुप में मैक्सिमम 13 मेंबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम 2 मिनट 1 कोरियन सॉन्ग। आपके वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको अलग अलग वीडियो बनाना है, डांस के लिए अलग, वोकल के लिए अलग, दोनों ही वीडियो 2 मिनट करके होना चाहिए।
आप सॉन्ग के किसी भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि 2 मिनट का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीसू का फ्लावर फर्स्ट पार्ट है ABC दोड़े मी, बट आप दूसरे पार्ट यानी यू एंड मी इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 2 मिनट का होना चाहिए। कैपेसिटी मैक्सिमम 300 MB, आपके वीडियो 300 MB तक ही होना चाहिए। अगर 300 MB से ज़्यादा है तो ये अटैच नहीं होगा। आपको अपने वीडियो के MB कम करना होगा, इसके लिए आप MB कंप्रेशर ऐप का यूज़ कर सकते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अगर आप इस ऑनलाइन राउंड में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए फुल कवर सॉन्ग भी कर सकते हो। फाइल टाइप MP4 और MOV, आपके वीडियो MP4 और MOV होना चाहिए। वीडियो मस्ट बी रिकॉर्डेड इन हाई डेफिनेशन एंड पार्टिसिपेंट मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन द वीडियो। आपके वीडियो का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आप अपने वीडियो को हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करना और वीडियो में आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए। द वीडियो साउंड क्वालिटी शुड बी गुड, आपके वीडियो के साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वीडियो मस्ट नॉट बी एडिटेड इन एनी फॉर्म एंड मस्ट बी फिल्म इन 1 टेक। आपकी वीडियो एडिटेड नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरह की कोई भी एडिट मत करना। आप अपने वीडियो को 1 टेक में ही शूट करना, बस आपको किसी ब्राइट प्लेस में फ़ोन को रखना है और रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना है। सिंगिंग डांसिंग जो भी आपका कैटेगरी है उस पे वीडियो बनाना है और रिकॉर्डिंग बटन ऑफ कर देना है। बिना एडिट किए आपको अपलोड करना है विदाउट एनी फिल्टर और इफेक्ट। आप अपने फ़ोन को इस तरह से रख के रिकॉर्ड करना लैंडस्केप मूड में। नो इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश वर्जन ऑफ कोरियन सॉन्ग्स विल बी एक्सेप्टेबल इवन इफ परफॉर्म्ड बाय कोरियन आर्टिस्ट। कोई भी इंग्लिश सॉन्ग अलाउड नहीं है। अगर कोई भी कोरियन आर्टिस्ट इंग्लिश सॉन्ग में परफॉर्म करते हैं तो भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कोरियन सॉन्ग में परफॉर्म करना है। अगर कोई केपॉप सॉन्ग में थोड़ा सा इंग्लिश लिरिक्स भी है तो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। आप के ड्रामा OST सॉन्ग में भी परफॉर्म कर सकते हो। द केपॉप सॉन्ग शुड बी कवर 100% एंड फ्री स्टाइल इज़ नॉट अलाउड। जैसे ओरिजिनल सॉन्ग है वैसे ही कवर करना है, फ्री स्टाइल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर वोकल, स्टूडियो रिकॉर्डिंग एंड माइक्स आर नॉट अलाउडेड। द वोकल मस्ट बी ऑडिबल। आपके वोकल ऑडिबल मतलब लिरिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने चाहिए, आपकी वॉइस सुनाई देनी चाहिए, ना ही ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स विल नॉट रिवॉर्ड एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। यू कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट बट इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। फॉर डांस, द मेन क्राइटेरिया फॉर जजिंग विल बी सिमिलैरिटी बिटवीन द ऑफिशियल कोरियोग्राफी ऑफ द सॉन्ग एंड द सबमिशन बाई पार्टिसिपेंट। आप जो भी सॉन्ग चूज करते हो डांस के लिए, आपके डांसिंग वीडियो और ऑफिशियली सॉन्ग के कोरियोग्राफी के बीच में सिमिलैरिटी होना चाहिए। आपके डांसिंग वीडियो इसके अकॉर्डिंग जज किया जाएगा, तो कोई भी फ्री स्टाइल नहीं कर सकते हो। द परफॉर्मेंस टीम मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स एज द ग्रुप दे आर कवरिंग। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस टीम कवरिंग BTS मस्ट हैव 7 पीपल इन देयर टीम। आप जो भी ग्रुप सॉन्ग चूज करते हो, जितने मेंबर उस सॉन्ग में हैं आपके टीम में भी उतने ही मेंबर होना चाहिए। यहाँ पर BTS का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप ब्लैकपिंक के सॉन्ग कवर करते हो तो आपके टीम में भी 4 पीपल होना चाहिए। आप 3 मेंबर हो तो आपको 3 मेंबर के ग्रुप सॉन्ग चूज करना होगा। विनर्स ऑफ द ऑनलाइन राउंड मस्ट सेलेक्ट देयर करेंट और क्लोजर रीजन ऑफ द फॉलोइंग 11 reasons टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल राउंड। जो भी ऑनलाइन राउंड विन होता है उसको रीजनल राउंड में पार्टिसिपेट करना है, 11 reasons में से जो भी सबसे क्लोज रीजन है। देयर एन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ रीजनल राउंड विल बी अनाउंस लेटर। रीजनल राउंड सिटीज कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, ईटानगर, कोहिमा, लखनऊ एंड मुंबई। इनमें से जो भी सिटीज आपके क्लोज है आपको वहाँ जाकर रीजनल राउंड मतलब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। मेरा क्लोज कोलकाता है तो मुझे 20 मई को कोलकाता में सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है, अगर मैं ऑनलाइन राउंड पास होती हूँ तो। अदर रीजनल राउंड डेट्स एंड लोकेशन फॉर ईच रीजन विल बी अनाउंस लेटर। The participant can be disqualified if the entries contain any obscene, provocative, inappropriate contents will be automatically disqualified. अगर आपके content provocative और inappropriate है तो आपको तुरंत ही disqualified कर दिया जाएगा। The participant shares any invalid misinformation or it does not fulfill the criteria of the registration form.
अगर आप अपने बारे में गलत बताते हो, मिस इन्फॉर्मेशन देते हो और रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया फिल नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द पार्टिसिपेंट फेल्स टू कम्प्ली विद अनाउंस रेगुलेशन, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द सबमिटेड वीडियो मे बी एडिटेड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग प्रमोशनल कॉन्टेंट ऑफ द कल्चर सेंटर, या सिंपली कोरियन कल्चर सेंटर वाले आपसे परमिशन चाहते हैं आपके वीडियो प्रमोशनल पर्पज के लिए और सोशल मीडिया में पब्लिश करने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वोकल सिंगिंग एबिलिटी 60%, एक्सप्रेशन एंड कोरियन प्रोनाउंसिएशन 20%, स्टेज करिश्मा 20%, फॉर डांस कोरियोग्राफी 40%, टेक्निक 40%, स्टेज करिश्मा 20%, कंपोजिशन सिमिलरिटी टू द कोरियोग्राफी। तो सिंगिंग कैटेगरी के लिए जज तीन चीज़ पे फोकस करेंगे। सिंगिंग एबिलिटी में 60%, मतलब आप कितने अच्छे गाते हो, आपकी वॉइस कितनी अच्छी है। फेस एक्सप्रेशन व्हाइल सिंगिंग एंड कोरियन प्रोनाउंसिएशन में 20% रहेगा। स्टेज करिश्मा में रहेगा 20%। स्टेज करिश्मा मतलब वो लोग आपको जज करेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हो, आप नर्वस हो कि नहीं, आप सॉन्ग इन्जॉय कर रहे हो कि नहीं, इन सब चीज़ों में फोकस किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाएगा। इन डांस कैटेगरी दे विल जज यू हाउ गुड यू परफॉर्म इन स्टेज, आपकी कोरियोग्राफी सिमिलर होना चाहिए ओरिजिनल कोरियोग्राफी से, योर डांस टेक्निक शुड बी गुड, यू हैव टू परफॉर्म कॉन्फिडेंटली एंड शो योर चार्म ऑन द स्टेज। दे विल ऑल्सो जज यू आप जो सॉन्ग में परफॉर्म करते हो उस सॉन्ग में जितने मेम्बर हैं आपके टीम में भी उतने ही मेम्बर होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड क्लिक ऑन इट। तो ये है केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म। ये 24 अप्रैल से लेकर 7 मई तक ओपन रहेगा 4 PM इंडियन टाइम। नाउ क्लिक हियर, टैप ऑन अप्लाई। तो ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नाउ सेलेक्ट योर रीजन, योर कैटेगरी। अगर आप ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ग्रुप का नाम लिखो, और अगर आप सोलो हो तो खुद का नाम लिखो। हियर राइट योर नंबर ऑफ मेंबर इन ग्रुप, बट इफ यू आर सोलो पार्टिसिपेंट देन राइट 1। नेम ऑफ ईच मेंबर, अगर आप ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके जितने भी मेंबर हैं उन सबका नाम लिखो, बट अगर आप सोलो पार्टिसिपेट कर रहे हो तो खुद का नाम लिखो। हियर राइट योर सॉन्ग नेम, हियर राइट योर सॉन्ग आर्टिस्ट नेम, हियर राइट योर नेम, योर कैटेगरी, योर रीजन, योर सॉन्ग एंड आर्टिस्ट नेम। यहाँ पर आपको अपना वीडियो लिंक देना है। स्टेप 1, अपलोड योर वीडियो इन यूट्यूब, देन क्लिक ऑन शेयर, कॉपी योर लिंक एंड पेस्ट हियर। पार्टिसिपेंट्स मस्ट नोट दैट दे शुड बी अवेलेबल ऑन ईमेल नंबर दैट दे आर शेयरिंग। इफ द कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया रीजनल ऑर्गेनाइजर इज अनेबल टू कॉन्टेक्ट यू ऑन द शेयर डिटेल्स, द पार्टिसिपेंट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाई द एडर ऑफ द पार्टी। आपको अपना सही नंबर और सही ईमेल एड्रेस देना है ताकि वो आपको कॉन्टेक्ट कर सके। अगर आप गलत नंबर देते हो तो वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राइट योर ईमेल एड्रेस, राइट योर नंबर, ऑल्टरनेट नंबर। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पर अपना दूसरा फ़ोन नंबर दो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हो, ये रिक्वायर्ड है। अगर आपके फ़ोन नहीं लगता है किसी कारण से तो वो दूसरा नंबर से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। पार्टिसिपेंट शुड बी अवेलेबल एट द एड्रेस दे हैव सेड, आपको अपना सही एड्रेस देना है। हियर राइट योर स्टेट नेम, राइट योर सिटी नेम। टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल द अबव डिटेल्स मस्ट बी करेक्ट। If the applicant fails to respond to communication on the given contact details, the application will be disqualified. Now tap I agree. Enter the contents of the image. Now tap on confirm. And as you can see, it's successfully submitted.